शहर के गुंजान आबाद इलाकों में बिजली की लटकती तारें मौत के साए बन गईं। म्यू अस्पताल चौक से ग्वाल मंडी चौक तक तारों के गुच्छे लेस्को हुकाम का मुंह चढ़ाने लगे, हुकाम को किसी सानहे का इंतजार। बेसहारा और बेघर अफराद की सुनी गई आरजी, शेल्टर्स होम कायम, रेलवे स्टेशन और दाता दरबार के सामने कायम शामियानों में 70 अफराद ने रात बसर की। मुसाफिरों को रात के खाने में कोरमा और सब्जी और नाश्ते में नान चने दिए गए। पनागाहों में कंबल, बिस्तर और तकिए की सहूलत मौजूद। मुसाफिरों के लिए 6 आरजी वॉशरूम्स भी कायम। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, जिले इंतजामिया 19 पेट्रोल पंप्स की सरकारी जमीन वागुजार कराने में नाकाम। पेट्रोल पंप्स की लीज खत्म, अंदर खाते वसूलियां जारी मगर खजाने में रकम न आई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पेट्रोल पंप्स की नीलामी के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत। लाहौरी खाबों को आलूदा करने की कोशिश नाकाम, फूड अथॉरिटी के शहर भर में छापे। स्टीक मछली फरोश, स्कीम मोड ब्रांच नाकिस इंतजाम पर सील। अल्फज रेस्टोरेंट टाउनशिप भी सरबमोहर, टोलिंटन में नाकिस गोश्त बनाने वाले 3 पॉइंट्स को ताले। हरबंसपुरा में राहत बेकरी भी सील, 2 पान शॉप से 400 पैकेट गुटखा बरामद। ख्वाजा बरादरान को जमानत में तौसी मिलेगी या नहीं, पैरागोन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत कल होगी। कैसर अमीन बट से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी। रेलवे इंजनों की खरीदारी में मुबैना करप्शन, एक हाजिर सर्विस और 2 रिटायर्ड अफसरान कल तलब। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर शाहिद अजीज, साबिक अफसरान तारिक खान और मुजीद बेग की नैब में पेशी। साबिक वजीर रेलवे सात रस्ती के दौर में इंजनों की खरीदारी हुई। बादामी बाग रेलवे स्टेशन यार्ड में लोकोमोटिव इंजन को आग लग गई, रेलवे यार्ड में रेस्क्यू टीम आग बुझाने में मसरूफ। गैस के बंदिश, मुस्लिम टाउन वाहदत रोड पर अहले इलाका का शदीद एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। अहमद सलमान बलोच का कहना है कि सर्दियां आते ही महकमे सुई गैस ने यूटर्न ले लिया, गैस आती नहीं बिल दोगुना आता है। आशियाना रोड पर वर्कशॉप में डकैती की वारदात, मजाहमत पर हेड कांस्टेबल नवाज कत्ल। डाकू नकदी, मोबाइल फोन और दीगर चीजें लेकर फरार, लाश मुर्दाखाने मुंतकिल। पुलिस ने वाकई का मुकदमा बेटे अली की मुदायत में दर्ज कर लिया। महंगाई का सोनामी प्लस, आवाम को दाल रोटी के लाले पड़ गए। चावल, चीनी, दालें, बेसन सब कुछ महंगा। दाल माश 35 रुपए किलो महंगी, दाल चना 14 रुपए, दाल मूंग काले चने 10 रुपए, बेसन 6 रुपए किलो महंगा, नया चावल 4 रुपए और पुराना चावल 10 रुपए किलो महंगा हो गया। ब्रॉयलर की कीमत आसमान से बातें करने लगी, 2 रोज में मुर्गी 15 रुपए किलो महंगी, कल 8 रुपए और आज 7 रुपए का इजाफा। दुकानों पर ब्रॉयलर 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। एसी शालीमार, अली अकबर का हरबंसपुरा मॉडल इतवार बाजार का दौरा, सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा लिया। सब्जी की कीमतों को भी आग लग गई, करेले 80 रुपए, शिमला मिर्च 80 रुपए, शलजम और टींडे 40 रुपए, अदरक 200 रुपए किलो फरोख्त। कीमतों में होशुबा इजाफे पर शहरी परेशान, कीमतें कम करने का मुतालबा। लंडा बाजार में सेल मेला, जर्सियां, स्वेटर, जैकेट्स, गर्म शॉल्स हाथों हाथ फरोख्त होने लगे। लंडे के जोगर्स, दस्ताने, टोपियां और जराबे बेचने वालों की रेडियों पर रश। गरम खेस, कंबल, लिहाफ और चादरें खरीदने के लिए भाव ताओ, ग्राहकों का रश, बाजार से गुजरना मुहाल। सोना 2300 रुपए फी तोला महंगा, सराफा मार्केट में 24 के रात सोने की कीमत 64,000 रुपए तोला हो गई, 22 के रात सोने की कीमत 59,000 रुपए तोला। ओल्ड रावियन एसोसिएशन के इलेक्शन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पोलिंग जारी। रावियंस यूनाइटेड, रावियंस सागा और रावियंस गैलेक्सी आमने सामने, काजी अफाक सदारती ओहदे का दिफा करेंगे।
चिड़िया घर ताहाल हाथी से महरूम, रौनकें मात पड़ने लगी, बच्चे और बड़े हाथी देखने के मुंतजर। इंतजामिया सूजी हथनी की मौत के बाद नया हाथी ना खरीद सकी, रवां साल के बजट में नए हाथी के लिए पैसे भी मुख्तस ना किए गए। नाइन इलेवन के बाद दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपागेंडा किया गया। अलामा ताहिरुल कादरी ने अपने खिताबात के जरिए इस्लाम का असल नक्शा पेश किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी का सालाना कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब ने तलबा में डिग्रियां तकसीम की। सारिफीन को गैस की बचत से मुतालिक आगाही, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी और एफसी कॉलेज के जरिए तमाम आगाही वॉक, सुई गैस हुकाम और एफसी कॉलेज के तलबा की शिरकत। छुट्टी के रोज शहरियों को पतंगबाजी की भी खुली छुट्टी, पुलिस खामोश तमाशाई, मंचले घरों की छतों पर पतंगबाजी के मुकाबले करने में मगन, बो काटा का शोर। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के जेर एहतमाम पंजाब कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग चैंपियनशिप, मुल्क भर से 12 यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ियों की शिरकत। और नैयर आर्ट गैलरी में मुल्की तारीख में पहली बार ऑर्गेनिक फर्नीचर की नुमाइश, फर्नीचर पर दिलकश पेंटिंग और महारत के साथ फूलों की सजावट, रंग वाली लकड़ी के इस्तेमाल से फर्नीचर चमकने लगा, शहरियों की गहरी दिलचस्पी।